देखिए जब तक उन लोग को छोड़ेगा नहीं तब तक यहाँ छात्र कोई नहीं जाएंगे सर, क्योंकि अब जाके ही क्या करेंगे, हम लोग से साथ यहाँ बर्बाद कर दिया गया, सब मार धार के इसे कर दिया गया। बोल रही है कि आप लोग इतना आगे चले गए थे, 144 का इलाका था। नहीं, उतना आगे तो हम लोग नहीं गए थे। रुकिए, पहले 144 का आप उनके पास सबूत है कि 144 क्यों लगाया जा रहा है? क्या उनके पास कारण है कि विधानसभा चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो इन लोग का स्टूडेंट का भविष्य नहीं दिख रहा है? 40% बाहरी ला दिया, ठीक है आप इंग्लैंड फ्रांस जितना भी वर्ल्ड का सबका खोल दीजिए, हम लोग को वो मंजूर है, लेकिन इंडिया ऑल ओवर इंडिया नहीं खुले, खुलेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड खुलेगा, पूरा वर्ल्ड का नौकरी करेगा यहाँ पर। और विधानसभा उन लोग हिजरा हिजरा चूड़ा चिल्लाता उस समय उन लोग का दर्द नहीं होता है सर, हम लोग बनाए 3 करोड़ जनसंख्या हम लोग बनाए हुआ नियोजन नीति स्थानीय हम लोग का भविष्य सुधारने के लिए, और वहाँ हिजरा हिजरा थिएटर जैसा वहाँ चिल्लाता है सर, शोभा देता है। सैलरी बढ़ाने का विधायक लोग का बात हुआ और एक दिन में एक बोली पे सबका सैलरी बढ़ गया, बताइए, और हम लोग का उतना दिन से लड़ रहे तभी भी हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रहे सरकार। उन्हीं के अनुसार हम लोग का जो मांग है जो 1932 या फिर यहाँ का जो नियोजन निजी स्थानियों के लिए मांगा गया था उसके आधार पर ही हम लोग आए हुए हैं कि क्या हुआ आपका वादा, आपने बेरोजगारी भत्ता दिए, आपने कहा था 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिए, और आज इतना गंभीरता आप देखिए विधानसभा में आप क्या रख दिया है। आप जिसमें विधानसभा का होता है कि यहाँ पर लोग जो आते हैं वो योग्य लोग आते हैं, लेकिन एक दूसरे को ये क्या बोल रहे हैं, सिकंडी बोल रहे हैं। अपना सर, अपना पार्टी का चिंता, मुख्यमंत्री का अपना भविष्य का चिंता, तो छात्र यहाँ का युवा का चिंता कौन करेगा? हम लोग उनको चुन करके भेजे थे ताकि वो हम लोग का भविष्य का चिंता करें, लेकिन उनको हम लोग का भविष्य का चिंता नहीं है। लेकिन छात्रों के बारे में नहीं सोचती है, अगर फोन कॉल के द्वारा सर्वे कराया जाता है तो केवल 2 ही ऑप्शन दिया जाता है। क्यों 2 ऑप्शन दिया जाता है? 21 दिसंबर को जो भी आंदोलन हुआ था उस समय बोला गया था कि छात्र का भी एक प्रतिनिधि रहेगा, जो निर्णायक मंडल जो भी सिलेबस आपका डिजाइन किया जाएगा उसमें रखा जाएगा, सिलेबस और नीति से रिलेटेड, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो देखिए, पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल भी हुए हैं, उसमें एक छात्र हैं जो रामगढ़ उपचुनाव में चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या हुआ, चोट लग गई है? चोट नहीं, देखिए गलत हुआ सर, हम लोग के साथ आतंकवादी तो नहीं, और हम लोग को बहरामे से पीटा गया है, आपको दिखाते हैं, इतना हमारा डंटा पीछे सर, यहाँ यहाँ फूल गया, ऐसे हैचक के चल रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर मार दिया है, तो वही सर, और हाथ में दोनों तरफ मारा है। देखिए खोलने का मकसद नहीं है सर, लेकिन क्या करें, हम लोग शहीद है, जब गोली मार दे उस सही है सर, लेकिन ये गोली जो बारूद चलाता है, जो फटेका जैसा फोड़ता है और डराता है छात्रों की, ये गलत है। आज ही दिन शहीद दिवस है, 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह हैं, सुखदेव सिंह हैं, राजगुरु जो आज ही दिन उन लोग को फांसी दे दिया गया था, और खुशी से इन लोग चढ़ गए थे, हम लोग भी इसी तरह अगर टांग दें तो वही ठीक है, लेकिन ये जो अवैध रूप से हम लोग के दौड़ाते हैं, मारते हैं, ये सब गलत है, उससे अच्छा कि फांसी दे दीजिए वो ठीक है। और कहीं ना कहीं छात्र दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे एकता का परिचय, आज शहीद दिवस है, आज कहीं ना कहीं छात्रों, माननीय मुख्यमंत्री साहब, छात्रों के साथ बहुत धोखेबाजी हुआ, ऐसा मारपीट नहीं करना चाहिए, पहली बार 21वीं सदी में हमको लगता है ऐसा झारखंड अलग राज्य हुए में हमको नहीं लगता है कैसा चला होगा। और जब शिबू सोरेन के जब बनाया जा रहा था, जब यह झारखंड जब अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 का, तब झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पूछा जा रहा था, तो शिबू सोरेन से पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो बोले, बहुत जनता बोला कि नहीं, तो वो बोलते हैं क्या हम बकरी चराने के लिए आंदोलन किए थे, इतना आंदोलन किए थे तो, और वो जब ऐसा बोलते हैं तो हम लोग क्या आंदोलन, हम लोग से नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, ना कि विधायक मंत्री बनने के लिए, और हम लोग सत मारा पीटा जा रहा है, ये गलत है सर, ऐसा में बहुत ही अन्याय चल रहा है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है, जयराम महतो को भी हिरासत में लिया गया। जी वो देखिए जब तक उन लोग को छोड़ेगा नहीं तब तक यहाँ छात्र कोई नहीं जाएंगे सर, क्योंकि अब जाके ही क्या करेंगे, हम लोग से साथ यहाँ बर्बाद कर दिया गया, सब मार धार के इसे कर दिया गया, सारी अंग को पूरा कमजोर कर दिया गया मार मार के, तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं मरने के लिए सब तैयार है सभी छात्र सर। 2-3 स्टूडेंट का हाथ पैर में इस क्या हुआ है? सर 2-3 स्टूडेंट का इस तरह हुआ है सर कंडीशन, हाँ। वही देखे हम लोग। बोल रही है कि आप लोग इतना आगे चले गए थे, 144 का इलाका था। नहीं, उतना आगे तो हम लोग नहीं गए थे। रुकिए, पहले 144 का आप उनके पास सबूत है कि 144 क्यों लगाया जा रहा है? क्या उनके पास कारण है कि विधानसभा चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो इन लोग का स्टूडेंट का भविष्य नहीं दिख रहा है? 40% बाहरी ला दिया, ठीक है आप इंग्लैंड फ्रांस जितना भी वर्ल्ड का सबका खोल दीजिए, हम लोग को वो मंजूर है, लेकिन इंडिया ऑल ओवर इंडिया नहीं खुले, खुलेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड खुलेगा, पूरा वर्ल्ड का नौकरी करेगा यहाँ पर। और एक चीज है सर, खेत में सर लगाया जाता है सर 144 धारा, तो किसान कैसे बोएगा सर, कैसे धान रोपते, 144 खेत में लगाया जाता है कैसे लगते, सरकार जो है हम लोग
साल यार मार के पैरों हाथ तोड़ रहा है और इधर से खेतों में लगा देता है ना, अनाजों उगाने नहीं देगा इन लोग, धानों नहीं उगाने देगा, यानी कि भूखे मराएगा इन लोग साला। बताइए खेत में लगाया जाता है सर की विधानसभा का अगर, और विधानसभा में उन लोग हिजरा हिजरा चूड़ा चिल्लाता है उस समय उन लोग का दर्द नहीं होता है सर। हम लोग बनाए 3.25 करोड़ जनसंख्या हम लोग बनाए हुए नियोजन नीति स्थानीय हम लोग का भविष्य सुधारने के लिए, और वहाँ हिजरा हिजरा थिएटर जैसा वहाँ चिल्लाता है सर, शोभा देता है। हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे मर रहे हैं, उचित ध्यान नहीं देता है। एक दिन के लिए नियोजन नीति छुट्टी करके सरकारी योजना सब अति करके और एक दिन अगर बना देता स्पेशल घोषणा कर देता कि आज नियोजन नीति का ही घोषणा होगा और बनाएंगे तो कितना अच्छा हो जाता सर। रामगढ़ उपचुनाव में एक दिन के लिए छुट्टी हो जाता है सर, 27 तारीख के जब वोट आता है और एक महीना पूरा कादो कीचड़ जैसा अंगना टोला जैसा बना देता है विधायक मंत्री लोग, तो एक दिन में यहाँ नहीं बना सकता है सर, बना सकता है लेकिन छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। ये 40% नहीं है सर, यहाँ बर्बाद हो छात्रों के बर्बाद कर रहा है सर और कुछ नहीं। और ये बताइए एक दिन में बस ये क्या चीज बोलते हैं पैसा सैलरी बढ़ाने का विधायक लोग का बात हुआ और एक दिन में एक बोली पे सबका सैलरी बढ़ गया, बताइए। और हम लोग का उतना दिन से लड़ रहे तभी भी हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रहे सरकार, क्या है सरकार अब क्या चल रहा है? इससे बेटर है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और वैकेंसी रद्द कर दीजिए और मत निकालिए, लड़का लोग ऐसे भूख मर रहा है और वैसे भी भूख मरेगा ही। सरकार जो वादा किया था सरकार ही मांग कर रहे हैं, सरकार अपना जो है जब वो सरकार में आने वाली थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे जो हमसे वादे किए थे उन्हीं के अनुसार हम लोग का जो मांग है जो 1932 या फिर यहाँ का जो नियोजन स्थानीयों के लिए मांगा गया था उसके आधार पर ही हम लोग आए हुए हैं। कि क्या हुआ आपका वादा? आपने बेरोजगारी भत्ता दिए, आपने कहा था 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिए। और आज इतना गंभीरता आप देखिए विधानसभा में आप क्या रख दिया है? आप जिसमें विधानसभा का होता है कि यहाँ पर लोग जो आते हैं वो योग्य लोग आते हैं लेकिन एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं? सिकंडी बोल रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है लौंडा, कोई किसी को बोल रहा है हिजड़ा। और सोचिए कि इतना सारा पैसा बर्बाद करके हम लोगों का युवाओं का हम लोग फॉर्म भरते रह जा रहे हैं, रद्द हो रहा है फॉर्म, और जब लास्ट में जब 3 साल बर्बाद करके सरकार जो है अंत में वही नियोजन लाती है जो यहाँ के मूलवासी के हित में एकदम नहीं है। लास्ट में क्या किया गया? ओबीसी का आरक्षण जिला में 0-0 कर दिया गया, 7 जिला में। क्या ओबीसी उस जिले में नहीं है क्या? सरकार को इसमें क्या इस प्रकार का ओबीसी क्या उनको वोट नहीं देते हैं? उनके सवाल ही है। और विधानसभा में कुछ भी गंभीरता नहीं रह गया, यहाँ के विधायक को हम लोग जैसे यूपी में लोग वहाँ पर गाड़ी पलटते हैं ना, यहाँ पर हम लोग युवा सरकार पलट देंगे। सरकार को अपने भविष्य का चिंता है, अपना अपना पार्टी का चिंता, मुख्यमंत्री का अपना भविष्य का चिंता है, तो छात्र यहाँ का युवा का चिंता कौन करेगा? हम लोग उनको चुन करके भेजे थे ताकि वो हम लोग का भविष्य का चिंता करें, लेकिन उनको हम लोग का भविष्य का चिंता नहीं है। ये पहले क्या बोले 32 लाएंगे, फिर बोले कि इसको जो है बीजेपी वाला पास नहीं होगा, ये पास नहीं होने दे रहा है, बीजेपी का काम है, सेंट्रल में सरकार उसका है। तो हम जानते हैं कि ये नीति नहीं लागू हो सकता है, तो ये टेम्पोररी नीति ला करके 60-40 क्यों किया जा रहा है? आप पूरी तरीके से यहाँ और कोई नीति लाया सकता है, पूरी तरीके से झारखंड को लॉक किया जा सकता है, जैसे उड़ीसा के लिए उड़ीसा का अपना कानून है वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, तमिलनाडु का कानून अपना है वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो झारखंड को ओपन क्यों किया जा रहा है? झारखंड को चरागाह क्यों बनाया जा रहा है? आखिर झारखंड ही एक ऐसा इंडिया का स्टेट है जहाँ पर चरागाह बनाया जा सकता है? हम लोग यहाँ का भविष्य क्या होगा? बिहार में आज वैकेंसी आया वहाँ पर बस बिहार वासियों को ही मांगा जा रहा है और किसी को आउट ऑफ अदर स्टेट नहीं मांगा जा रहा है, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के बिहार अपना नीति बना सकता है तो झारखंड में क्या क्यों नहीं नीति बनाया जा सकता है? अपना भी पूरा 100% लॉक कर दिया जा सकता है, यहाँ का स्थानीय मांग लिया जाए। इस बार हम सभी अभी देख रहे हैं जिस प्रकार सरकार बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दाग रही है, उन्होंने अपने लिए कोई भी बिल को एक दिन में लागू कर देती है लेकिन छात्रों के बारे में नहीं सोचती है। अगर फोन कॉल के द्वारा सर्वे कराया जाता है तो केवल दो ही ऑप्शन दिया जाता है। क्यों दो ऑप्शन दिया जाता है? 21 दिसंबर को जो भी आंदोलन हुआ था उस समय बोला गया था कि छात्र का भी एक प्रतिनिधि रहेगा जो निर्णायक मंडल जो भी सिलेबस आपका डिजाइन किया जाएगा उसमें रखा जाएगा सिलेबस और नीति से रिलेटेड, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। किसी भी छात्र को ऐसा नहीं बोला गया कि आप आइए और अपना सजेशन दीजिए। अगर सजेशन देते तो लॉक करने का बहुत सारा रास्ता है कि आप सिलेबस को झारखंड से रिलेटेड बढ़ा देते, क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा को बढ़ा देते, लेकिन नहीं, ये 60-40 करके और 40 में कौन लोग आएगा ये भी तय नहीं हो रहा। और ओपनली वहाँ पे विधानसभा में जब पूछा जाता है आप लोगों के द्वारा कि 40 में कौन है वो बताते भी नहीं है और दूसरा दिन ठीक वैकेंसी को प्रसारित कर देते हैं वेबसाइट में, तो ऐसे करने से तो कैसे चलेगा? छात्र का भविष्य तो अंधकार में जा रहा है। और आज जितने भी मंत्री विधायक बैठे हुए सब लोग मजे ले रहे हैं इसी में, हम सब यहाँ पे भटक रहे हैं, कोई आज तक अभी तक सूद लेने के लिए नहीं आया कि क्या है विषय क्या है, बात करते हैं, किसी को भी बात करने का भी समय नहीं हम लोगों के लिए। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in